नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ने पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत को बहुत ही अच्छे से पूर्ण किया, जो कि हम सबके कल्याण के साथ साथ पितरों के कल्याण के लिए भी होता है। अब हम सभी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी करेंगे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि भी आती है और दशहरा भी पड़ता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापन कुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में श्रीहरि के पद्मनाभ स्वरूप अर्थात विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। पापन कुंसा एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी पूर्व के पापों का नाश करके पुण्य का उदय करती है और हमसे होने वाले सभी पापों पर अंकुश लगाती है, अर्थात पाप कर्मों से हमारी रक्षा करती है। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उनका और उनके भाई भरत का मिलाप इसी पापन कुंसा एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो भी व्यक्ति यह एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का ध्यान करता है और उनका पूजन अर्चन करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापन कुंसा एकादशी व्रत से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि अगर कोई व्यक्ति नियम के साथ इस एकादशी का पालन करता है तो व्रत करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि यह पापन कुंसा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 2023 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर दिन मंगलवार की दोपहर में 3:14 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 25 अक्टूबर दिन बुधवार की दोपहर में 12:32 हो रहा है। यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। इस प्रकार उदया तिथि के आधार पर और एकादशी और द्वादशी तिथि के मिलन के आधार पर 2023 की पापन कुंसा एकादशी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। कृष्ण भावना मृत के प्रचारक इस्कॉन मंदिर में भी इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस एकादशी का पारण मुहूर्त 26 अक्टूबर दिन गुरुवार की सुबह में 6:02 से लेकर सुबह में 9:44 तक है। ऐसी मान्यता है कि पापन कुंसा एकादशी के दिन जो व्यक्ति मौन रहकर भगवद्गीता का पाठ करता है उसे बहुत ही लाभ मिलता है। इस व्रत से मन शुद्ध होता है तथा अश्वमेध यज्ञ और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवद्गीता का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर श्रीहरि का दूसरा प्रभावशाली मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए और व्रत के अगले दिन ब्राह्मण को अन्न का दान और वस्त्र का दान और साथ ही साथ जूता और छाता का दान भी करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।